जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का जीवन चरित्र, अभी तक हमने 6 भागों में भाई जी के चरित्र को सुना है। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने सुना कैसे भगवान नाम महिमा से, भगवान के नाम के जप से भाई जी को लाभ हुए। आइए अब उससे आगे सुनते हैं कैसे भाई जी के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा जागी। भाई जी कहते हैं कि गोरखपुर आने के बाद सारा कार्य सुचारू रूप से करते हुए पूज्य श्री भाई जी के हृदय में भगवत दर्शन की लालसा प्रतिपल तीव्र होती जा रही थी। अन्य कुछ भी उन्हें सुहाता नहीं था, मन में बस भगवान को पाने की चाह और तीव्र उत्कंठा से भरे हृदय के भाव एक पद के रूप में भाई जी ने प्रकट किए। वही मारवाड़ी बोली का पद जो पद रत्नाकर में है कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तने मिलन ने आज मेरो हिवड़ो उछल्यो आवे है। तड़फ रहियो जू मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चित राजी हो तो होवे, तो कोई भी आंट नहीं, मन चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत काटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातर मेरा प्राण क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं। दर्शन की है भारी टाण, बांध तुड़ाकर भाग्या चावे। माने नहीं किसी की काण, आठों पहर उड़ासा डोले। पलक पलक की समझे हाण, पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक की जूं सदा उड़ीकूं, कदे नहीं मुख न मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तने नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। ऐसी पूज्य श्री भाई जी की भगवत दर्शन की उत्कंठा थी। अब आइए आगे सुनते हैं कैसे JCD में भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। भाई जी को सर्वप्रथम भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन JCD बिहार में पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी के सामने 15-20 महानुभावों की उपस्थिति में 16 सितंबर 1927 में हुए थे। इसका संकेत उसके पश्चात की पद रचना और पत्र से मिलता है जो नीचे दिए जा रहे हैं कि भाग्यवती जिन आँखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती है वर्णन में अक्षम। रुकी लेखनी बंद हो गई, चलता नहीं हाथ आगे। क्षमा कीजिए प्रेमी पाठक, सरल पाठके सदभागे। अब देखिए भगवत दर्शन के बाद की क्या स्थिति हुई। भाई जी कहते हैं, मैं JCD से आज आया हूँ। 3-4 दिन बाद शहर से बाहर बगीचे में जाने का विचार है। यह विचार किया गया है कि महीने में अधिक से अधिक 4 बार शहर में आया जाए, बाकी सब समय में वहीं एकांत में भजन और लेखन वगैरह का कार्य हो। इस समय कहीं भी जाने का विचार नहीं है। भगवान जैसा कुछ कराना करवाना चाहते हैं वही सर्वथा न्याय संगत है। यहाँ लोगों ने कहा कि हमें भी दर्शन होने चाहिए। इस पर उनसे कहा गया कि जिनके बल और प्रताप से दर्शन हुए हैं उनसे ही आप लोग भी दर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शेष उनसे कहा गया कि आप लोग
आज्ञा अनुसार साधना करने के लिए तैयार हों तो वहाँ लिखकर साधना का क्रम पूछा जा सकता है, परंतु आप लोगों को कड़े से कड़े साधन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो साधन वे बता दें वही करना पड़ेगा, ऐसी धारणा कर लेनी चाहिए। इस बात को लोगों ने प्रायः स्वीकार किया। स्त्रियों की ओर से भी कहा गया कि हम भी तैयार हैं, हमारी बात पीछे न रह जाए। इसी के अनुसार उन सब की ओर से यह पत्र आपकी सेवा में लिखा जाता है। अब आपके जचे जैसी बात लिखनी चाहिए जिससे उन सबको बहुत शीघ्र परमात्मा के दर्शन हों, ऐसा तीव्र साधन बतलाना चाहिए। आगे एक पत्र में भाई जी कहते हैं, सत्संग के समय कई लोग थे, उनमें से कुछ के नाम ये हैं: श्री चेतराम जी, श्री बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, शंकर लाल जी। ध्यान की बात हो रही थी, ध्यान भी हो रहा था, अकस्मात परम प्रकाश हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हुए, आकाश में खड़े हुए थे। करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन होते रहे, मुझसे कुछ भी बोला न गया। भाई जी कहते हैं, मुझसे कुछ भी बोला न गया, उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है, ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, और फिर भी उनकी या मेरी जब कभी इच्छा हो पधारकर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। कुछ समय बाद अकस्मात अंतर्ध्यान हो गए, दिन भर नशा चढ़ा रहा भगवान के दर्शनों का। इस घटना की सूचना देते हुए भाई जी ने श्री सेठ जी को पत्र लिखा। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यान की बातें होती हैं, कल प्रातःकाल ध्यान के समय 6-7 मिनट आंखें खुले हुए JCD की तरह से ही श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते रहे। कोई बुलाने या दर्शन करने की भावना भी जागृत नहीं हुई थी, परंतु बड़ा ही विलक्षण आनंद रहा। बुलाने की इच्छा तो नहीं होती, परंतु अब ऐसा विश्वास होता है कि गुरु चरण कृपा से जब इच्छा हो तभी भगवान के दर्शन और उनसे वार्तालाप हो सकते हैं। कल दिन में एक बार आपके चरणों में आने की स्फूर्णा हुई थी, कारण कुछ पता नहीं, मुझे कभी कोई स्वप्न भी नहीं आते, साल भर में शायद 1-2 स्वप्न आते हों, परंतु परसों रात को स्वप्न में आपके दर्शन हुए। मानो मैं था, मैं तथा बहुत से अन्य लोग आपके साथ कहीं पर गए हुए हैं, पूरी बातें स्मरण नहीं हैं। पूज्य श्री भाई जी की डायरी से एक और प्रसंग। भाई जी लिखते हैं कि दिन के करीब 12 बजे मन उपराम हो गया। मैं बाहर बैठा हुआ था, घर में चूना पोतने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था कि अचानक किसी के द्वारा खींचा सा जाकर कोठरी के अंदर चला गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया और मन की भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए सामने कुर्सी और रख ली। अकस्मात प्रकाश हो गया, महान शांति सी प्रतीत होने लगी। मेरी उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ, फिर आकाश में ही उनकी स्थिति रही। मैं मंत्रमुग्ध सा हो रहा था, मेरे आनंद का पार नहीं था। प्रभु मेरे सामने स्थित हुए, करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं सका, न स्तुति कर सका, चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिए। मन ही मन भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक यह स्थिति रही, फिर भगवान बोले, मानो आनंद का समुद्र उमड़ा, तेरी कुछ इच्छा बाकी है? बड़ी हिम्मत से 1-2 वाक्य मेरे मुख से निकले, कुछ नहीं, केवल आप।
भाई जी ने भगवान से कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं, केवल आप। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान कुछ अनोखी ही थी। भगवान ने हंसकर मानो मेरा समर्थन किया, फिर धीरे धीरे बीच बीच में रुककर इतनी बातें कहीं। पहला, भगवान ने भाई जी से कहा कि दर्शनों की बात गुप्त रखने में ही लाभ है। दूसरा, धर्म के नाम पर परस्पर लड़ने वाले मेरा प्रभाव नहीं जानते। तीसरा, पूरी गोरक्षा में अभी विलंब है। चौथा, मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। पांचवा, जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार कर लोगों से कह दें कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। छठा, जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। सातवां, पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है, क्षणिक भोगों की तो परवाह करनी नहीं चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। आठवां, नाम तो प्रिय से भी प्रिय वस्तु है, इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए कि और नाम हो। नौवां, दंभ बहुत बढ़ गया है, दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दें कि उनकी बुरी गति होगी, काम क्रोध से भी दंभ बुरा है। दसवां, किसी को भी मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दें। ग्यारहवां, JCD के सिवा इन बातों का मेरे नाम से प्रचार ना कर। बारहवां, अब इस तरह नहीं आऊँगा, तेरे बिना बुलाए तो दो बार आ गया, मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर ताकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा मानो मुझे और कुछ नहीं भासता था, किसी की स्फूर्णा तक भी नहीं थी। अकस्मात श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मेरी स्थिर दृष्टि विचलित हो गई। मैं देखता हूँ कि पूर्व की ओर खिड़की से श्री रामेश्वर जी ताक के देख रहे हैं। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिए। उस समय घड़ी में करीब 2:15 थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक उपरामता बनी रही। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई